हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे फैक्ट्री में। दोस्तों मैं सोनू और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ भाई यहाँ पर ये डबल एक्स प्रो की बाहुबली शार्पी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे, इसकी रेंज पूरी टेस्टिंग कराऊंगा, डिटेलिंग के अंदर ये पूरी वीडियो रहेगी, अनबॉक्सिंग भी करके दिखाएंगे। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, मार्केट से कुछ हट गया यहाँ पर आपको डबल एक्स प्रो ने निकाल के दिया है। तो बिना देर करे करते वीडियो को शुरू। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं शार्पी लाइट की अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो के अंदर इस शार्पी के अंदर आपको चार प्लस पॉइंट मिलने वाले हैं। पहले पॉइंट से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। इस कंपनी की शार्पी की आप लोगों को मिलती है पूरे एक साल की वारंटी, नहीं भाई गारंटी मिलती है पूरे एक साल की। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए जल्दी से आप कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर अनबॉक्सिंग करने से पहले हमें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर एक जो फ्लाइट केस का जो लुक दिया है भाई, वो मार्केट से बिल्कुल हटके यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो फ्रंट साइड पर आपको मिलती है डबल एक्स की ब्रांडिंग, डबल एक्स प्रो का लोगो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगेन उसी के साथ साथ यहाँ पर बाहुबली लिखा हुआ है। भाई आप सोच रहे हो कि भाई बाहुबली क्यों लिखा, तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई इसको बाहुबली क्यों कहा गया, क्यों है ये बाहुबली। इसका जैसा नाम है ऐसा ही इसका काम है भाई। मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, काफी अच्छा यहाँ पर शार्पी लाइट का रिजल्ट लगा। तो भाई मुझे भी महसूस हुआ कि भाई कुछ यूनिक है, तभी डिमांड है बाहुबली की। तो लेकर आओ भाई बाहुबली, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर बाहुबली। तो अगेन अगर बात की जाए इस फ्लाइट केस की, तो यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा हैंडल्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपको कैरी करने में या फिर शार्पी की फ्लाइट केस को धकेलने में यार खींच कर ले जाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी देंगे। साथ ही साथ आप लोग कैरी भी कर सकते हो, उठाकर भी कैरी कर सकते हो। तो अगेन आपको साथ में दो हैंडल्स और दिए गए हैं, अदर मॉडल्स की तरह यहाँ पर दो हैंडल्स आपको नीचे मिल जाते हैं, दो आपको ऊपर मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले खोलने पर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि फ्लाइट केस जो है पूरे तरीके से यहाँ पर पैक है। पैक कैसे है भाई, यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर फॉर्मिंग देखने के लिए मिलती है। अगेन उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आपकी शार्पी लाइट्स हैं, ये दोनों शार्पी लाइट आपको वाटरप्रूफिंग में पैक मिलने वाली है। अगेन बिल्कुल सेंटर के अंदर बीचों बीच आपको केबल्स वायर्स जितनी भी हैं आपको उसके लिए अलग से यहाँ पर पार्टीशन देखने के लिए मिल जाता है। अगेन अगर हम बात करते हैं इन शार्पियों को निकालने से पहले, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि भाई ट्रस के लिए, हर प्रकार की ट्रस के लिए यहाँ पर हैंगिंग की जो सुविधा है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। अलग से हैंगिंग के पार्ट्स लगाने की या फिर बोल दीजिए हुक्स लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डबल एक्स कंपनी ने इस चीज़ का ध्यान रखा है और ये चीज़ जो है अच्छी शार्पीज में आपको देखने के लिए मिलती है। अगेन अगर बात करते हैं कि इसके साथ आपको केबल्स कौन कौन सी मिलने वाली, तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाती है दो पावर केबल्स जो कि एसपी कॉन्स के अंदर आपको दी गई हैं। तो ये हो जाती है आपकी पावर केबल्स की क्वालिटी। अगेन उसी के साथ साथ आपको मिलती है इसके अंदर दो एक्सएलआर मेल फीमेल की जो आउटपुट या इनपुट जो निकल के जाएगी आपके डीएमएक्स के अंदर उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दी गई है। और जो अगर बात की जाए इसकी क्वालिटी की, तो यहाँ पर दोनों एक्सएलआर जो है वो मेटल के अंदर दिए गए। वायर की जो क्वालिटी रहने वाली है वो बहुत अच्छी दी गई है यहाँ पर। अगेन आपको यहाँ पर टोटल ये पार्ट्स इसके साथ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। फाइनली निकालते हैं शार्पी को अंदर से बाहर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसका दूसरा फीचर क्या रहने वाला है, इसका जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को जो मिलता है, जिसका लेंस का जो साइज मिलता है वो मिलता है भाई 165 mm। मार्केट के अंदर अब तक अवेलेबल नहीं है, किसी भी शार्पी को उठा के देख लेना 155-156 से ऊपर आपको जो लेंस का जो साइज है वो नहीं मिलने वाला है। और ओरिजिनल वोल्टेज के साथ आपको ये मिलती है। सेकेंड अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको दो एलईडी के रिंग भी मिलते हैं भाई साथ ही साथ, कि भाई आपकी शार्पी ऑन हुई है या ऑफ ही चल रही है। डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर आपकी शार्पी के अंदर चार चांद लगा देते हैं आरजीबी वाले एलईडी रिंग। यहाँ पर मेन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो भाई एलईडी पॉइंट, एलईडी अब आप कहोगे भाई एलईडी वाली जो लाइट आ रही है इसमें क्या है भाई, नया क्या है। तो जो मार्केट के अंदर चल रहा है उसके अंदर आपको सिंगल एलईडी रिंग मिलता है। इस कंपनी के अंदर भी दो मॉडल हो रहे हैं जिनमें सिंगल एलईडी रिंग आता है, लेकिन इसके अंदर आपको डबल एलईडी रिंग मिलता है, वो भी आरजीबी के अंदर, जो आपकी शार्पी के साथ
कनेक्ट होकर चल के आपकी शार्पी में या आपके प्रोग्राम में जान डाल देता है। तो साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पर साइड का जो बेल्ट का जो चलाने का जो पैनल है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये भी कुछ मार्केट से हटके यहाँ पर किया गया भाई। बेसिकली मैं बार बार मार्केट क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक मैंने ऐसी शार्पी मार्केट में नहीं देखी है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो शार्पी का जो लुक, जो हैंडल का जो लुक है, साइड वाला जो कहते हैं बेल्ट जो रोटेट करता है या बेल्ट से जो ऑपरेट करता है, जो इसको घुमाता है ऐसे करके, ये वाला जो इसका पोर्शन है इस पर भी आपको डबल एक्स की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है भाई। कंपनी की डाई है अपनी, ऐसा नहीं है भाई किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट उठाया सिर्फ स्टिकर लग रहे हैं, वो वाला काम नहीं है भाई। यहाँ पर पूरी आपको ब्रांडिंग मिलती है कंपनी की डाई के साथ, यहाँ पर पूरे तरीके से काम किया गया है। अगेन यहाँ पर भी आपको दो हैंडल्स की सुविधा मिल जाती है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कैरी यहाँ पर कर सकते हो। भाई ऐसे नहीं करना चाहते हो, ये भी हैंडल हैं, दो हैंडल तो नीचे दिए ही गए हैं, लेकिन दो हैंडल्स की सुविधा यहाँ पर भी आपको मिल जाती है जिससे कि आप लोग आराम से कैरी कर सकते हो। और बात की जाए मेटल की, तो यहाँ पर बॉडी का जो मटेरियल है, यहाँ पर प्लास्टिक जो हैवी वाली प्लास्टिक होती है दोस्तों उसका भी यूज़ यहाँ पर किया है और कुछ यहाँ पर मेटल्स का भी यूज़ लिया हुआ है। तो मेटल और प्लास्टिक दोनों में यहाँ पर यूज़ में आपको देखने के लिए मिल जाती है शार्पी। अगेन बात करते हैं हम शार्पी की दूसरी साइड की, तो यहाँ पर हम लोगों को एक यूनिक लुक देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ आपको डबल एक्स प्रो बाहुबली का स्टिकर, बहुत ही प्यारा स्टिकर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता भाई। अगेन यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए फैन के जस्ट ऊपर आपको वेंटिलेशन देखने के लिए मिलता है, इसके जस्ट नीचे फैन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर बात करूँ मैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर LED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है कुछ फीचर्स के साथ। यहाँ पर ये LED डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगी, ऑन ऑफ, लैंप ऑन वगैरह करने के लिए या कुछ अदर मैनुअल सेटिंग करनी है अपने DMX के लिए, या फिर LED के लैंप ऑन करना चाहते हो या फिर इसका लैंप ऑन करना चाहते हो, वो सारी सेटिंग्स जो है इसमें आपको मिल जाती हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूं इसके हैंडल्स क्वालिटी की, कि इसकी हैंडल की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी रहने वाली भाई, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी हैवी यहाँ पर दी है भाई कंपनी ने। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी की अपनी डाई पे बनी हुई है भाई, तो यहाँ पर चांस ही नहीं लिया जाएगा भाई। डाई में अगर कंपनी पैसा खर्च कर रही है तो समझ लीजिए कि भाई कुछ ना कुछ तहलका यहाँ पर ले गए हैं। तो बाहुबली नाम ऐसे ही नहीं दिया इसका। तो यहाँ पर जो हैंडल्स की जो क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाली है भाई। मेरा मानना तो ये, अगर आपने इस पर बेल्ट भी बांध ली ना तो कहीं नहीं हिलने वाली। यहाँ पर आपको इसके जस्ट नीचे, हैंडल्स के जस्ट नीचे आपको वेंटिलेशंस देखने के लिए मिलते हैं, इससे कि आपकी जो शार्पी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म हैं वो ठंडे रह सकें और हीटिंग ना हो। और हीटिंग से चांस बनता है कि भाई सर्किट टूट गया, ये हो गया, तो उस चीज़ की दिक्कत नहीं है। और कंपनी को शार्पी पे अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है भाई, इतना भरोसा है कि कंपनी ऑल ओवर पार्ट्स, शार्पी के पूरे पार्ट्स की 1 साल की गारंटी दे रही है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देगी, ना कि रिपेयर करके। तो ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके प्राइस क्या रहने वाले हैं, तो प्राइस आपको मार्केट के अदर प्रोडक्ट से मिलते जुलते ही मिलने वाले हैं। अगेन यहाँ पर आप लोगों को ऊपर साइड में बाहुबली की, बाहुबली 450 की यहाँ पर ब्रांडिंग एक बार फिर से देखने के लिए मिल जाती है। जस्ट बैक साइड की तरफ अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, तो हमें दो मिलते हैं आपके XLR इनपुट्स और आउटपुट्स। बेसिकली आउटपुट का तो आप लोगों को पता कि कनेक्शन इधर से उधर करेंगे उसके लिए हो गया, और इनपुट हो गई आपकी भाई DMX हो गया, पायलट हो गया, या फिर आप कोई भी कंट्रोलर लगा के चला रहे हैं तो उसकी इनपुट के लिए आपको DMX इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दो स्पीकॉन सॉकेट्स देखने के लिए मिलते हैं, बेसिकली एक इनपुट सॉकेट और एक आउटपुट सॉकेट। भाई इसमें भी पार लाइट वाला सिस्टम कर दिया भाई XLX ने, कि एक ही लाइट से आप लोग 10 लाइटें 20 लाइटें कनेक्ट करके चला सकते हो भाई। ऐसा नहीं है कि सबकी अलग अलग वायर लगाओगे ना, एक से ही आप लोग सारे कनेक्ट करके चला सकते हो। साथ में एक फ्यूज़ का सिस्टम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है भाई। यहाँ पर आप लोग लाइट में कभी कोई दिक्कत आ जाती तो आपका लाइट जो है फ्यूज़ उड़ जाएगा लाइट का, जैसे घर की लाइट में होता है या एम्पलीफायर्स के अंदर आपको फ्यूज़ देखने के लिए मिलता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको फ्यूज़ दिया गया है। साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का स्विच आपको देखने के लिए मिलता है। स्विच की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेनिफिशियल मेरे को लग रही है यहाँ पर, जो शार्पी रहने वाली है भाई, बहुत ही बेहतरीन लगी मेरे को यहाँ पर। साथ में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि लॉक की जो सुविधा वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को XLX की शार्पी लाइट की अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक करना, साथ साथ कमेंट करना,
अब चलते हैं जल्दी से जान लेते हैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो दोस्तों डिटेल की अगर बात यहाँ पर की जाए, जैसे कि आप लोगों को बताया कि ये बाहुबली शार्पी है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका प्लस पॉइंट तीसरा। दो आपने सुने, नहीं सुने हो तो बैक करके सुन लेना, तीसरा सुनो। इसका जो बल्ब लगा हुआ है दोस्तों, वो लगा हुआ है फिलिप्स का 100% ओरिजिनल बल्ब इसके अंदर यूज में लिया गया है। और उसके कलर ब्राइटनेस की अगर बात करें, ये कलर ब्राइटनेस आपने नहीं सुना होगा, अगर बात करें कलर ब्राइटनेस की, तो 8500 ल्यूमेन इसकी ब्राइटनेस का जो कलर है वो रहने वाला प्योर वाइट बीम के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर मार्केट के अदर प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पर बात करें, तो किसी में 7.5 ल्यूमेन और किसी में 8 ल्यूमेन मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको प्योर वाइट बीम 8500 ल्यूमेन में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप में से कुछ भाई ये भी कहेंगे कि नहीं भाई, और भी शार्पी हैं जिनके अंदर ये वाली फैसिलिटी है, तो मेरे भाई मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि इस बजट के अंदर नहीं होगी और इस वोल्टेज के अंदर नहीं होगी। ये भी कंपनी का दावा है कि इस बजट रेंज में और इस वोल्टेज के अंदर आपको किसी कंपनी में नहीं मिलेगी, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर होगी किसी कंपनी में तो वो महंगी रेंज के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर आपके बजट जो चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी ने निकाली है। दूसरा सेकंड पॉइंट हो जाता है इसका कि यहाँ पर आपको दो LED रिंग मिलते हैं जो आपको मार्केट के अदर प्रोडक्ट में नहीं देखने के लिए मिलते हैं। एक वाला मिल जाएगा, डबल वाला नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि कंपनी में ऑलरेडी दो मॉडल्स हो रहे हैं जिनमें सिंगल रिंग है, लेकिन बाहुबली में आपको डबल रिंग देखने के लिए। तो दोस्तों बात की जाती है एक बार फिर से बाहुबली के लेंस की, तो यहाँ पर 165mm का लेंस आपको देखने के लिए मिलता है। मार्केट में अब तक अवेलेबल नहीं है, अब तक का सबसे बड़ा लेंस यहाँ पर यूज में लिया गया है। अब तक आप लोग जितने भी शार्पी चला रहे हो उसका जो लेंस आपको मिलता है वो मिलता है भाई 155-156mm का, लेकिन यहाँ पर इसको भी अपडेट कराया है बाहुबली के नाम के साथ साथ, भाई यहाँ पर आपको काम भी मिलने वाला है भाई, 165mm का लेंस मिल। अब बात आ जाती है यहाँ पर भाई तीसरे पॉइंट की या चौथे पॉइंट की, तो यहाँ पर आप लोगों को इस शार्पी लाइट की एक साल की पूरे पार्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ मिल जाते हैं। एक बार डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा। मान के चलिए आपका बल्ब खराब हो गया, मोटर खराब हो गई, या कोई IC खराब हो गई, या कोई प्लेट खराब हो गई, तो इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कंपनी में जाओ, पार्ट लेकर रिप्लेस करके चेंज करके दूसरा पार्ट ले आओ और अपने शार्पी को मजे से चलाओ, पैसा वसूल करो। 1 ईयर की पूरी रिप्लेसमेंट गारंटी मिलती है आप लोगों को। तो दोस्तों ये है इसका नेक्स्ट प्लस पॉइंट कि इसके अंदर जो आपको 8 प्रिज्म मिलते हैं, यानी कि जो प्रिज्म्स आप लोग चलाते हैं अलग अलग प्रिज्म, तो जो इसके 8 प्रिज्म मिलते हैं ना भाई, वो अदर ब्रांड्स के 8 प्रिज्म से आप कंपैरिजन कीजिए, सबसे क्लियर प्रिज्म निकल के आएगा भाई। और ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग फील्ड पे जाके खुद से चेक कर सकते हैं, ये भी कंपनी का दावा है। तो दोस्तों अगले प्लस पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जो शार्पी का जो डिज़ाइन है भाई, वो भी बिल्कुल अलग है अदर प्रोडक्ट से। मैं यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, आप लोग कौन सी चला रहे हो अपनी शार्पी को और इसको कंपेयर कर लेना भाई, पता लग जाएगा। यहाँ पर अलग से दो हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, बॉडी का डिज़ाइन आपको बिल्कुल अलग मिलता है, साइज में बड़ा मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको बॉडी के अंदर ही कंपनी की खुद की डाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लोगो जो है इंग्रेव है भाई, यहाँ पर स्टिकर का कोई काम नहीं किया गया, बॉडी के अंदर आपको इंग्रेव मिलती है। बात करें इसके नेक्स्ट प्लस पॉइंट की, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं कंपनी फिटेड क्लैंप्स। अगर बात कीजिए क्लैंप्स की, तो भाई क्लैंप्स आपकी चाहे इंडियन ट्रस्ट हो या फिर आपकी इम्पोर्टेड ट्रस्ट हो, दोनों पर बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ आपको यहाँ पर साथ में कंपनी फिटेड क्लैंप्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर बाकी डिटेल्स की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो 24 चैनल मिल जाते हैं DMX के लिए आपको। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कलर व्हील्स की, तो 13 कलर व्हील्स मिलते हैं, प्लस एक ओपन व्हील्स आपको मिल जाता है यहाँ। और बात की जाए प्रिज्म की, तो 8 और 24 दोनों प्रिज्म मिल जाते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब की जानकारी मैं पूरी आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन अगर कोई जानकारी छूट गई है तो मैं आप लोगों को साइड में आप लोगों को पूरी डिटेल देके जा रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल छोड़ के जाऊंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। वीडियो को लंबी ना करते हुए अब हम लोग चलते हैं जल्दी से, कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग।
यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो इसके 8 प्रिज्म वाली की जो मैंने बात कही थी वो कितना क्लियर आ रहा था। सेकंड प्लस पॉइंट, यहाँ पर जो इसका बीम जो था वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। नेक्स्ट बॉडी की जो क्वालिटी है वो भी यूनिक है, यहाँ पर हैंडल्स वगैरह सारी चीज बहुत अच्छी दी गई है। बैक साइड में अगर मैं बात करूँ फ्लाइट केस की तो वो भी यूनिक रहने वाला है। और मैं साथ ही साथ बात करता हूँ इसके प्राइस की, तो एक प्राइस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ अंदाजे के लिए कि अब तक आपकी नज़र में जो शार्पी सबसे बेस्ट चल रही हो उसी प्राइस के अंदर यह आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोग पहचान गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों की डिमांड में क्या चल रहा है। तो अब अपडेट करने का टाइम है 2024 में। खुद को अपडेट कीजिए, अपने सामान को अपडेट कीजिए, अपनी लाइटिंग को अपडेट कीजिए डबल एक्स प्रो के साथ। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक करना, साथ साथ कमेंट करना, और कोई सवाल अगर मन में रह गया हो तो फ़ोन करके भेज या पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो के अंदर आपसे कही हैं आप कंपैरिजन कर सकते हो। भाई कंपनी का दावा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी का दावा है। कंपनी ने खुली बात कही है कि भाई आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, पार्टी से बोल दीजिए आप कंपैरिजन कीजिए इन फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी कोई भी बात आप लोगों को झूठ नहीं मिलने वाली है। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं कोई भी कंपनी का सामान अगर लेकर आता हूँ तो पूरी डिटेल में जाकर लेकर आता हूँ, टेस्टिंग करके पूरा क्लियर करके उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर। मैं मिलता हूँ इस तरीके की किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।